हेलो दोस्तों, इंडिया में रोड एक्सीडेंट एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इनमें जान गंवाने वालों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। और NHAI का कहना है जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उनमें 70% एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं। इसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जो भी गाड़ी जुलाई 2019 के बाद बिकेगी उसमें स्पीड गवर्नर मैंडेटरी होगा। इस स्पीड गवर्नर से अगर आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा जाती है तो एक वार्निंग बीप साउंड जनरेट करता है, और अगर आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर से ऊपर जाती है तो एक कांस्टेंट बीप साउंड क्रिएट करता है। लेकिन ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि कई ऐसे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज हैं जिनकी स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाल के लाएं ये सारे रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए। तो यहीं पर डिफरेंट डिफरेंट IITs के रिसर्चर्स की टीम ने एक डिवाइस को बनाया है जो कि सभी गाड़ियों में लगाया जाएगा, और ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उस हाईवे की कितनी स्पीड लिमिट है, आगे कोई टर्न आने वाला है या नहीं, इन सब के बेसिस पर वार्निंग देगा ड्राइवर को। ये डिवाइस GPS से काम करेगा, इसके अंदर सारे रोड्स का डाटा होगा, जिस भी रोड से गाड़ी जाएगी उस डिवाइस को पता होगा यहाँ की स्पीड लिमिट क्या है, आगे कोई टर्न आने वाला है या नहीं, और जो टर्न आने वाला है उसकी रेडियस क्या है। इन सब डाटा को देखकर वो ड्राइवर को एक वार्निंग इशू कर देगा अगर आगे कोई डेंजर है तो। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये डिवाइस बहुत ही कारगर साबित होगा। अभी ये डिवाइस रिसर्च फेज में है, अभी इसके ट्रायल्स चालू हैं और जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि ये डिवाइस जल्द से जल्द मार्केट में आ जाएगा, और गवर्नमेंट भी काफी सीरियस है ऐसे किसी सॉल्यूशन को लेकर। गवर्नमेंट भी चाहती है कि रोड एक्सीडेंट कम से कम हो। गवर्नमेंट ने टारगेट भी रखा है कि जो रोड एक्सीडेंट है उनको 0% पर लाना है 2030 तक। तो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। ऐसे ही और अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी ही और अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी।